जय जिनेंद्र, मेरा नाम सेठ धन कीर्ति है। बचपन में ही मैं अपने माता पिता से अलग हो गया। मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, फिर भी मैं इतना संपन्न सेठ हो गया। तो चलो आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। जब मेरा जन्म होने वाला था, मैं अपनी माँ की कोख में था। सभी बहुत खुश थे। एक दिन मेरे पिता के पास राजा का संदेश आया कि उनका मंत्री, जो गलत संगत में था, वो मेरी बहन से शादी करना चाहता था। मेरे पिता नहीं चाहते थे कि ये शादी हो, और राजा के आदेश को भी मना नहीं कर सकते थे। उससे बचने के लिए पिताजी मेरी माँ को अपने मित्र श्री दत्त सेठ जी के यहाँ छोड़ गए और दीदी को लेकर कहीं दूर चले गए। सोचा कि जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं वापस आ जाऊंगा। एक दिन मेरी माँ किसी मुनिराज को आहार करते हुए देख रही थी। आहार के बाद मुनिराज वहां से जा रहे थे। मुनिराज को अवधि ज्ञान था। मुनिराज बोले, ये होने वाला बालक बहुत भाग्यवान है। समस्त सेठ लोगों का स्वामी और बहुत संपत्ति वाला राजश्रेष्ठी भी होगा। मुनिराज की बात पिताजी के मित्र श्री दत्त ने भी सुनी। वो सोचने लगा, ये बालक मुझसे अधिक संपत्ति वाला राजश्रेष्ठी कैसे हो सकता है, और मुझसे मन ही मन ईर्ष्या मतलब जेलसी करने लगे। जैसे ही मेरा जन्म हुआ, श्री दत्त ने मेरी माँ से कहा कि मेरी तो मृत्यु हो गई और मुझे मारने के लिए एक व्यक्ति को दे दिया, लेकिन उस व्यक्ति को मुझ पर दया आ गई। वो मुझे एक पेड़ के नीचे रखकर चला गया। उसी समय श्री दत्त के एक रिश्तेदार वहां से जा रहे थे। वो मुझे अपने साथ घर ले गए। उन्होंने बहुत बड़ा उत्सव किया और श्री दत्त को भी बुलाया। उन्होंने आते ही मुझे पहचान लिया। फिर से उन्होंने झूठ बोलकर मुझे वहां से ले गए और मुझे फिर से एक दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए दे दिया। उसको भी शायद मुझसे स्नेह मतलब अफेक्शन हुआ। उसने भी मुझे नहीं मारा और वह भी मुझे एक पेड़ के नीचे छोड़कर चला गया। थोड़ी ही देर में एक ग्वाला अपने घर जा रहा था। उसकी गायें मेरे पास आ गई। मुझे देखकर तेज तेज आवाजें करने लगी। एक गाय के थनों से दूध झड़ने लगा और मैं मजे से दूध पीने लगा। ग्वाला मुझे देखकर बड़ा ही खुश हुआ और मुझे अपने साथ घर ले गया। धीरे धीरे अब मैं यहीं बड़ा होने लगा। देखो मेरी किस्मत, जैसे तैसे पहले दो बार बचा, मुसीबत फिर से आ गई। एक दिन श्री दत्त घी खरीदने हमारे घर आए। उन्होंने मेरे बारे में पूछा तो उन्हें पता चला कि मुझे तो जंगल से उठा कर लाए हैं। ये सुनते ही उनका क्रोध फिर से जाग गया। उनकी ईर्ष्या अभी भी कम नहीं हुई थी। उन्होंने मुझे एक पत्र उनके घर अर्जेंटली देने को कहा। मैं तुरंत चल दिया। चलते चलते मैं एक बगीचे में थोड़ी देर सो गया। तब अनंग सेना नाम की एक लड़की ने मेरे गले में बंधा हुआ पत्र पढ़ लिया। उसमें लिखा था कि लड़का हमारा वंश खत्म कर देगा, इसे अभी तुरंत मार डालो। अनंग सेना को मुझ पर बहुत दया आई। उसने मेरे जागने से पहले ही पत्र बदल दिया। नींद खुलते ही मैं सीधा श्री दत्त के घर पहुंचा और लेटर उनके बेटे को दे दिया। पता है अनंग सेना ने क्या लिखा था? उसने लिख दिया, पुत्र मेरा इंतजार मत करना और इसी समय अपनी बहन की शादी इस लड़के से करवा देना। श्री दत्त के बेटे ने उसी समय अपनी बहन की शादी मुझसे करवा दी। जब श्री दत्त घर आए तो मुझे फिर से सही सलामत पाया और मुझे उनकी बेटी के पति के रूप में देखकर और ज्यादा क्रोधित हो गए। अब की बार उन्होंने मुझे बलि देने के बहाने मंदिर भेजा और मंदिर में अपने आदमी से कह दिया कि जो भी आदमी बलि देने आए तो उस आदमी की बलि भी दे देना। मंदिर जाते समय श्री दत्त का बेटा मुझे मिल गया। उसने कहा, लाइए आपका काम मैं कर देता हूँ, और वो मंदिर चला गया। मेरी जगह मंदिर में उसकी बलि दे दी गई। किस्मत ने मुझे फिर से बचा लिया। अपने बेटे की मृत्यु से श्री दत्त बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई तो इस बार मुझे मारने का जिम्मा उनकी पत्नी ने लिया। उन्होंने मेरे लिए जहर वाले लड्डू बनाए। किस्मत ने मुझे फिर बचा लिया और वो जहर वाले लड्डू गलती से श्री दत्त ने ही खा लिए और उनकी वही मृत्यु हो गई। देखो
जो दूसरों को मारने चला वो खुद ही मर गया। श्रीदत्त की मृत्यु से दुखी सेठानी जी खुद को संभाल न पाई और दुख में उन्होंने भी लड्डू खा लिए और उसी समय उनकी भी मृत्यु हो गई। अब श्रीदत्त के परिवार में कोई न होने से उनका सारा कारोबार मैंने संभाला और इस तरह ग्वाले के बेटे से मैं सेठ धन कीर्ति बन गया और सब जगह मेरी प्रसिद्धि फैल जाने से मुझे अपने असली माता पिता भी मिल गए। मैं हमेशा इसी सोच में रहता कि मेरे साथ यह सब क्यों हुआ। एक दिन मैं अपने पूरे परिवार के साथ मुनिराज के दर्शन करने गया। मेरे पिता ने मुनिराज से पूछा, हे मुनिराज, मेरे पुत्र पर बचपन से ही बहुत दुख आए और किसी पुण्य से आज यह सकुशल है, और इसने ऐसा क्या किया कि इतनी संपत्ति का मालिक बना। मुनिराज बोले, तुम्हारा पुत्र पिछले जन्म में मछली पकड़ने वाला था, उसका नाम था मृगसेन धीवर। एक दिन मृगसेन ने देखा बहुत से लोग मुनिराज के दर्शन करके नियम ले रहे हैं, तो उसने भी अपना जाल एक तरफ रखा और मुनिराज को नमस्तु कर बोला, गुरुदेव मुझे भी नियम दीजिए। मुनिराज ने सोचा, जीवों की हिंसा करने वाला, मछलियों को मारने वाला क्या नियम लेगा। फिर भी मुनिराज ने उसे दो नियम दिए। पहला नियम, जाल में जो भी पहली मछली आए उसे मत मारना, उसे जीवन दान देना, और जब तक मृत जीव ना मिले तब तक के लिए मांस का त्याग कर दो, इससे तब तक के लिए तुम पाप से मुक्त रहोगे। और दूसरा, सुख में हो या दुख में हमेशा नमोकार महामंत्र का जाप करना। मुनिराज से नियम लेकर मृगसेन मछली पकड़ने चला गया। उस दिन बड़ी सी मछली जाल में फंसी। नियम के अनुसार मृगसेन को अपनी पहली मछली को जीवन दान देना था, तो मृगसेन ने निशानी के लिए मछली के गले में धागा बांधकर उसे वापस पानी में डाल दिया। फिर से जाल फेंका, दूसरी बार भी वही मछली आई, उसे फिर से पानी में डाल दिया। तीसरी बार भी वही मछली, चौथी बार भी वही मछली, और पांचवी बार भी वही मछली। उस दिन ऐसा पांच बार हुआ, दूसरी कोई भी मछली जाल में नहीं फंसी। मृगसेन को खाली हाथ घर लौटना पड़ा। मृगसेन को खाली हाथ देखकर उसकी पत्नी बहुत गुस्सा हुई कि फालतू के नियम लेकर आ जाते हैं, अब हम क्या खाएंगे। मृगसेन को घर में भी नहीं आने दिया। मृगसेन शांत रहा, मुनिराज को मन ही मन नमन करते हुए आदर से नमोकार मंत्र का जाप करता रहा और पेड़ के नीचे लेट गया। रात के अंधेरे में उसे सांप ने काट लिया और नमोकार मंत्र का जाप करते करते उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह त्याग के प्रभाव से तुम मृगसेन से सेठ धन कीर्ति हो। मछली की पांच बार जान बचने से ही हर बार तुम्हारे प्राणों की रक्षा हुई। जिस मछली की तुमने जान बचाई वह मछली अपनी आयु पूरी कर इस भाव में अनंग सेना बनी और अपने उपकार का बदला तुम्हारी जान बचा कर दिया। अपने पूर्व भाव के बारे में जानकर मुझे समझ में आ गया कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। आज जो कुछ भी मुझे मिला है वो पूर्व में मेरे ही द्वारा किए हुए कर्मों का फल है। मैंने अपने जीवन में एक ही दिन नियम का पालन किया, मछली की जान बचाई, केवल एक ही दिन नमोकार मंत्र का जाप किया और आज उसी के फल की वजह से मैं सकुशल हूँ। मैं समझ गया था, अगर जीवन भर संयम और नियम से रहूंगा तो मेरा कल्याण अवश्य होगा। उसी समय मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया। मैंने मुनिराज से दीक्षा ले ली। बच्चों, क्या आपको पता है, मुनि धन कीर्ति अपनी आयु पूरी करके स्वर्ग के देव बने और अगले ही भव में कठोर तप करके जन्म मरण के चक्र से छूटकर मोक्ष प्राप्त किया। तो लेंगे आप भी छोटे छोटे नियम और करेंगे ना अपने जीवन का कल्याण। जय जिनेंद्र।